टाइमिंग लूज हो गया, अगर एक भी दाता आउट हो गया तो आपकी गाड़ी वाल मोड़ देगी और आपकी गाड़ी में खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है मन बाइक पॉइंट में। यह है KTM 200, आप देख सकते हैं KTM 200 है ये, और इसका हमने क्लच खोला हुआ है, ये क्लच इसका बाहर खोला हुआ है। तो दोस्तों इसमें क्लच प्लेट डालेंगे, KTM की क्लच प्लेट है ये, आप देख सकते हैं कि कैसे इसकी धज्जी उड़ गई है क्लच प्लेट की, बिल्कुल ये गोल हो गई है, इस पे लेदर है ही नहीं। तो ये जो मास्टर प्लेट बोलते हैं इसे, कड़ा भी बोलते हैं, मास्टर प्लेट भी बोलते हैं, इसका ये झंड हो गया इसमें, इसकी वजह से पिकअप नहीं आ रहा था। तो दोस्तों साथों साथ हमने इसका क्लच कटोरा भी बाहर निकाला है, आपको दिखाते हैं, ये इसका क्लच कटोरा है, क्योंकि इसमें गियर साफट भी ये थी जो ये डलेगी, इसमें गियर साफट भी पर ऐसे चूड़ी स्लिप है उसकी, तो ये हमें बदलनी है नहीं, तो इसके लिए हमें क्लच कटोरा पूरा खोलना पड़ा दोस्तों। उसके लिए आप क्लच कटोरा खोलने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक चक नट खोलना है, ये वाला जैसे नट होते हैं चक नट, ये वाला नेट खोलना है, एक वार्सल होती है उसमें, हल्की से टाइमिंग को इसे बाहर को कर लेंगे और ये कटोरा बाहर निकल जाएगा। यहाँ से हमें टाइमिंग रजिस्टर भी लूज करना है, तभी इसका क्लच कटोरा बाहर निकल पाएगा। तो दोस्तों इसका क्लच कटोरा निकालने के लिए बड़े सावधानी बरतनी पड़ती है, टाइमिंग लूज हो गया, अगर एक भी दाता आउट हो गया तो आपकी गाड़ी वाल मोड़ देगी और आपकी गाड़ी में खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा, इंजन खोलना पड़ सकता है। तो जब भी कभी क्लच कटोरा निकाल लो तो ये टाइमिंग इसमें से बाहर नहीं निकालनी है, वो टाइमिंग चैन गराड़ी में रहने देनी है, हल्की सी बाहर सरकार लेनी है कार्टर से, और आपका कटोरा बाहर आ जाएगा आसानी से। दोस्तों इस तरीके से KTM का कटोरा बाहर आता है और क्लच प्लेट इसमें हम डाल के इसे बंद कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी जानकारी है, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं।